जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे के रेल सुरक्षा बल द्वारा 37वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें विभिन्न आयोजन रेल सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किए गए। वहीं रेल सुरक्षा बल द्वारा परेड का आयोजन भी किया गया, जिसमें पश्चिम मध्य रेल मंडल रेल सुरक्षा बल के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पश्चिम मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल जयपुरिया ने बताया कि रेल सुरक्षा बल का यह आयोजन गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। इस आयोजन को करने से रेल सुरक्षा बल को प्रोत्साहन मिलता है। रेल सुरक्षा बल द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। 37 सालों के इतिहास में रेल सुरक्षा बल द्वारा जिस प्रकार के कार्य किए गए हैं, वह आगे भी रेल सुरक्षा बल द्वारा किए जाएंगे। गौरव की बात है भारतीय रेल के लिए, पश्चिम मध्य रेल के लिए, कि रेल सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल द्वारा अपना 37वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। रेल सुरक्षा बल के लिए हमेशा से स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, बिकॉज अपनी पूर्व की उपलब्धियां और आगे जो हमको ऊंचाइयां छूनी हैं और प्राप्त करनी है, लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उसके लिए ये स्थापना दिवस प्रेरित करता है। रेल सुरक्षा बल ने बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं, जिस पे प्रकाश डालते हुए मैं बताना चाहूँगा आपको कि लॉकडाउन के समय श्रमिक स्पेशल, लगभग 2700 श्रमिक स्पेशल चलाई गई, पश्चिम मध्य रेल से गुजरी, जिस पे रेल सुरक्षा बल का अतुल्य योगदान रहा है। एंड साथ ही साथ उन्होंने अपने ही संसाधनों से लगभग 67,000 से ज़्यादा लोगों को लॉकडाउन के समय भोजन उपलब्ध कराया। मेरी सहेली जैसे ऑपरेशन के साथ साथ महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किया गया। लगभग 10,000 से ज़्यादा महिला यात्रियाँ जो अकेली यात्रा कर रही हैं, उनको सुरक्षा प्रदान किया गया थ्रू मेरी सहेली ऑपरेशन इन द मंथ ऑफ ये 2021 के वर्ष में। और साथ ही साथ इलीगल एक्टिविटीज जैसे टिकट की टाउटिंग हुई, सामान की चोरी हुई, इनके ऊपर भी बहुत सारी कार्रवाई की गई। रेल सुरक्षा बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमेशा से पश्चिम मध्य रेल ने बहुत सारे कार्य किए हैं, जिनमें उनको वाहन उपलब्ध कराना, टू व्हीलर्स उपलब्ध कराना, उनके लिए अच्छे बैरक बनवाना, जिम उपलब्ध कराना, ये सारे कार्य किए गए। तो पुनः मैं उनको इस स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी रेल सुरक्षा बल अपने नई ऊंचाइयों को छुएगा।